top enemy. आप अपने कमरे में जाके आराम कीजिए. ये गंदगी मैं साफ कर दूंगा. मेरे लिए रोज खाना लाती. थैंक यू. कैसी बातें कर रहे हैं? हमारे बीच अब थैंक यू सॉरी रह गया. कहना चाहिए ना. मैं तो किसी के लिए कुछ नहीं कर पाता. आप ऐसे क्यों सोच रहे? आज भी ठाकुर साहब इस उम्र में इधर उधर भाग रहे हैं मेरे लिए. कुछ रिश्ता है तभी तो. और ये जो रिश्ता है बाद में भी बात कर सकते हैं. अभी वक्त नहीं है ये सब सोचने का. ठीक है, नहीं सोचता मैं. आप ही बताइए क्या सोचूं. उस बच्चे के बारे में सोच रहा था. वो बच्चा तो ठीक है ना? आपने देखा उसे? दूर से ही देखा है. डॉक्टर किसी को भी उसके पास नहीं जाने दे रहे. प्रीमैच्योर. हमारी मुक्ता, आपको याद है डिलीवरी से पहले मैं आया था, आपका हाथ पकड़ कर बैठा. और फिर डिलीवरी के बाद दूर से ही हूं. एक दरवाजा था बीच में, एक शीशा था, मैं उसकी उस तरफ थी और मुझे लगा मैं जाके उसे. मुझे कभी मौका ही नहीं मिला. आपको पता है ना, बच्चे माँ बाप नहीं बन सके. वो बेचारी हमेशा ही अकेली रह गई. हम कभी भी नहीं थे उसके लिए. मैं दुनिया के किसी कोने में इस बात से अनजान कि मेरी कोई बेटी है, और आप दुनिया के किसी और कोने में प्रायश्चित करती हो. और अभी भी तो वो अकेली ही है. अकेले कमरे में रोती है. कौन आंसू पोछेगा उसके जब कोई जानता ही नहीं. तो बहुत प्यार दीजिए उसे. ये सारे बरस जब हम नहीं थे, सबका प्यार दे दीजिए उसे. और सुरभि के बच्चे को भी, उसे मां की कमी नहीं होनी चाहिए. समझ नहीं सकते तो इतना पीते क्यों हैं लोग?
पता नहीं क्यों खुद को इतनी तकलीफ दे रहा है आकर, क्यों कर रही है सब, पता नहीं बेचारा किस हाल में होगा। मैं जाके एक बार देख के आ रही हूँ।